नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का ये जो सेट है ये सेट नंबर 12 है और बिहार SSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कौन क्या है और कहाँ है इसके बारे में ये क्वेश्चन सिनारियो यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन है। इन 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे और हर सवाल का जवाब भी आप लोगों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो पहले प्रश्न पे आ चुके हैं, आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे नीति आयोग के CEO कौन है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे श्री अमिताभ कांत इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था यानी कि जो हम लोग नीति आयोग कहते हैं इसको, है ना, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CEO है और वो है श्री अमिताभ कांत। आंसर बी कर लीजिएगा। आपको बता दें कि ये 1980 बैच कैडर के, जी हाँ, प्रशासनिक सेवा IAS अफसर रह चुके हैं। आंसर बी कर लेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आंसर यहाँ पे हम बी करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो भारतीय संविधान के अध्याय 5 है ना, ये ध्यान रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कब कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो अध्याय 5 में इनके बारे में स्थापित एक पदाधिकारी के रूप में इसको वर्णन किया गया है और सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। ये कौन? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। याद रखेंगे अभी कौन है हमारे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अच्छा, इसका स्थापना जो है अगर पूछेगा तो ये बताइएगा, 1858 में ही इसका स्थापना कर दिया गया था वैसे तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस ऐसे संस्था का, ऐसे आयोग का, और इसका जो वेतनमान होता है ना वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए प्रति महीना होता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? जी हाँ, ये सारे के सारे जो प्रश्न है ये भारत के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है अभी, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ये 1985 बैच के, जी हाँ, एक IPS अधिकारी हैं और जिन्होंने 2021 में 2 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुबोध कुमार जायसवाल इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे, भारत के गृह सचिव कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा, भारत के गृह सचिव कौन है? बिल्कुल आंसर कर लेंगे मित्रों, यहाँ पे अजय कुमार भल्ला इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला हैं और जो गृह मंत्रालय है वो किसके तहत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह जी, ये ध्यान रखिएगा, और ये गृह सचिव के पद पे हैं अजय कुमार भल्ला जी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर कर लेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगर आप उत्तर ए कर रहे हैं तो याद रखिएगा, इनको 7 अगस्त 2018 से यहाँ पे पद पे बैठाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कार्यभार इनको दिया गया है, श्रीमती रेखा शर्मा। सवाल नंबर चलते हैं 6 पे, आंसर करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, UPSC के अध्यक्ष कौन है अभी, तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? जी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इज द BS पाठनिया। आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जी हाँ, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख होता है और ICG का कार्यालय जो होता है वो कहाँ होता है, तो नई दिल्ली होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका कार्यालय पूछ लेगा तो कहाँ होता है, नई दिल्ली होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। अभी है BS पाठनिया। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं, नौसेना अध्यक्ष कौन है? भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं यहाँ पे एडमायरल आर हरि कुमार, एडमायरल आर हरि कुमार,
नोट कर सकते हैं यहाँ पे, भारत की नौसेना के अध्यक्ष हैं और आपको बता दें कि नौसेना का प्रमुख जो है कार्यभार संभाल चुके हैं ये, और इनसे पहले एडमायरल करमबीर सिंह ने यहाँ कमान अपनी सौंपी हुई थी और एडमायरल आर हरि कुमार ने जी हाँ अपनी माँ विजय लक्ष्मी के पैर छुए और उस दिन से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आंसर कर लीजिएगा आर हरि कुमार। सवाल नंबर चलते हैं दो पे, आंसर करेंगे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। भारत के बारे में ये सवाल हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे श्री पी के मिश्रा इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा पी के मिश्रा जी हाँ, यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा एन वी रमणा कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं, ये ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के हैं। एन वी रमणा कौन से नंबर पे हैं, मतलब कि इनका जो यहाँ पे पद ग्रहण हुआ था ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा 48वें मुख्य न्यायाधीश है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों 48, ठीक है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को है ना, 23 अप्रैल 2021 को इन्होंने पदभार संभाला मुख्य न्यायाधीश के, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे दोस्तों, आंसर करिएगा, ठीक है आंसर करेंगे विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन हैं, विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन हैं। अरुण कुमार सिन्हा ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। इनका मुख्यालय होता है विशेष सुरक्षा समूह का मुख्यालय कहाँ होता है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अरुण कुमार सिन्हा निदेशक हैं यहाँ पे, संस्था कार्यपालक हैं जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, आंसर करिएगा भारत का राजस्व सचिव कौन है, राजस्व सचिव कौन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा तरुण बजाज हैं और आपको बता दें कि राजस्व सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है अप्रैल 2021 में ही, और ये इससे पहले जो है आर्थिक कार्य विभाग के सचिव थे और 1988 बैच के ये जो है एक हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी भी हैं जी हाँ, तरुण बजाज अब क्या है भारत के राजस्व सचिव बन चुके हैं जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक कौन हैं। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा 25 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई है और ये 25 अगस्त 2021 को पदभार संभाले हैं भारत तिब्बत इंडिया सीमा पुलिस के महानिदेशक के रूप में, संजय अरोड़ा डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ITBP का नाम आप लोगों ने सुना होगा है ना, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक के रूप में संजय अरोड़ा जो है 25 अगस्त 2021 को पदभार संभाले हैं। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं, आंसर कर लीजिएगा राज्यसभा के महासचिव कौन हैं। बिल्कुल ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि भारत के संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करते हैं। विपक्ष का नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष भी होता है, जो कि अभी अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं, रक्षा वित्त सचिव कौन है, रक्षा वित्त सचिव कौन है। तो याद रखिएगा गार्गी कॉल जो है रक्षा वित्त सचिव हैं भारत के, याद रखेंगे दोस्तों 13 अप्रैल 2019 को ये नियुक्त किए गए थे। रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो गार्गी कॉल हैं, बी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। जी हाँ आंसर कर लेंगे 7वें वेतन आयोग के 7CPC, आप लोग जो पढ़ते हैं ना आप लोग अपने अपने जॉब के जॉब को लेकर जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाती है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं ये। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे, आंसर करिएगा दोस्तों यहाँ पे,
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय गार्ड सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, जी हाँ दोस्तों, अनूप कुमार, बिल्कुल ये अब बन चुके हैं। देखिए माफ़ कीजिए, अनूप कुमार पहले थे और गुजरात कैडर के वाईपीएस अधिकारी थे, नई दिल्ली में इनको रिक्रूट किया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक MA गणपति बने हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि BSF है ना, सीमा सुरक्षा बल, यानी कि BSF के नए DG नियुक्त हुए हैं, नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और इनसे पहले जो थे वो संजय अरोड़ा ही थे और ये पंकज सिंह अब बन चुके हैं दोस्तों। ये जो है आंसर कर लीजिएगा, जी हाँ सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। रक्षा सचिव कौन है? जी हाँ, रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते 21 पे, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार सिंह है, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक जो कि मेजर होता है, जनरल रैंक का अधिकारी होता है और सेकेंड इन कमांड होता है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार सिंह हैं, याद रखेंगे, दिनेश कुमार सिंह को बनाया गया है हाल ही में। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों, वित्त सचिव कौन है? भारत का वित्त सचिव कौन है? बिल्कुल TV सोमनाथन, जी हाँ, वित्त सचिव होता कौन है? आपको बता दें कि वित्त सचिव जो है भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम IAS अधिकारी होता है, जो कि मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कामकाज का समन्वय रखता है। जी हाँ, रुपये, जो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का ही हस्ताक्षर होता है, जो कि अभी TV सोमनाथन है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे भारत के वित्त सचिव। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। श्री M वेंकैया नायडू कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, 13वें उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू, ठीक है, आंसर कर लीजिएगा 13वें नंबर के। और भारत की जो राष्ट्रपति बनी है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल चुकी हैं और बेरी जो है इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के भी मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी कह सकते हैं, मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये अर्थशास्त्री हैं सुमन कुमार बेरी, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन हैं? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं तरुण कपूर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, यह तरुण कपूर इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको बता दें कि श्री अमित खरे भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अमित खरे का नाम आ जाए तो भी आप लोग बताइएगा कि अमित खरे और तरुण कपूर दो नाम यहाँ पे हैं जो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का अपर सचिव पूछेगा तो वे भी दो लोग हैं, एक पुण्य सलीला हैं श्रीवास्तव और एक श्री अरविंद श्रीवास्तव, दो लोग हैं। तो जब सचिव पूछेगा अपर सचिव तो दोनों का नाम बताना है ना, पुण्य सलीला श्रीवास्तव और अरविंद श्रीवास्तव। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 27 पे, आंसर करिएगा। भारत के राज्यसभा में विपक्षी नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे, ए इज द करेक्ट आंसर, चूँकि देखिए राज्यसभा में भी विपक्ष का एक नेता होता है, क्योंकि वर्तमान समय में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ही है, मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा के ये विपक्ष के अधिकारी नेता हैं। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे, आंसर करिएगा यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ आंसर कर लीजिएगा। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है?
बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ किशोर, एस किशोर, स्टाफ्स एंड कमीशन, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे। सवाल नंबर 29 पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है। सवाल नंबर 29 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे है तपन कुमार डेका, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अगले सवाल पे चलते हैं 30 पे दोस्तों, कैबिनेट सचिव कौन है। बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा ए राजीव गाबा, ए राजीव गाबा, ए राजीव गाबा। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे यहाँ पे, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं, तो आंसर कर सकते हैं यहाँ पे अरुण कुमार, ए इज़ द करेक्ट आंसर, अरुण कुमार, ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे दोस्तों, आंसर करिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। जी हाँ ये है अजीत डोभाल, बी इज़ द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा जो होता है दोस्तों देश का परामर्शदाता होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी और भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ये ध्यान रखते हैं, यह अजीत डोभाल हैं अभी फिलहाल। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों, आंसर कर लेंगे, सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है। बिल्कुल ये हैं संजय अरोड़ा, इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ भारत तिब्बत पुलिस के हैं संजय अरोड़ा, ये ध्यान रखिएगा, और सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त महानिदेशक भी हैं संजय अरोड़ा, इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं, राजीव कुमार कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अभी तक भारत में 24 जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बदल चुके हैं और ये 25वें हैं, ये ध्यान रखिएगा, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था और ये 2025 तक ये बने रहेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 35 पे आंसर करेंगे, विदेश सचिव कौन है अभी भारत का। बिल्कुल विदेश सचिव हैं दोस्तों यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा, मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवन लाल साहनी, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, बी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 37, महालेखा नियंत्रक कौन है। बिल्कुल ये हैं दोस्तों याद रखेंगे, महालेखा नियंत्रक हैं सोनाली सिंह, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है। कुलदीप सिंह हैं, याद रखेंगे दोस्तों ये RPF यानी CRPF के महानिदेशक भी हैं, ये ध्यान रखेंगे, और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक भी हैं कुलदीप सिंह, सी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 39 पे चलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं। जी हाँ आंसर कर लीजिएगा, CRPF के ये भी हैं कुलदीप सिंह, याद रखेंगे सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे दोस्तों, वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वायुसेना अध्यक्ष हैं दोस्तों VR चौधरी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। सवाल नंबर चलते 41 पे आंसर करेंगे यहाँ पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा यहाँ पे, बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बलबीर सिंह चौहान हैं, याद रखेंगे स्वतंत्र भारत को लेकर यहाँ पे अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं, जिसमें 21वां विधि का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों 2018 में इनको, ठीक है याद रखेंगे। और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इनका नाम है, न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इनके अध्यक्ष हैं, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इनके आंसर भी हमने आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कीजिएगा कितने उत्तर आपसे सही हो पाए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, या इसी तरह की वीडियो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे लगातार। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।